अस्सलाम वालेकुम। हाय फिर क्या है दोस्तों, ठीक है? ताबिश अहमद और ताबी डॉन का सलाम। अच्छा दोस्तों, मैं गया हूँ एक दिन, ये आपने कादराबाद तो सुना होगा, गुजरात वाली साइड पे, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया कि ऐसे फिश वगैरह खा के आते हैं। वहाँ पे गए तो हमारा एक दोस्त था वहाँ पे, हसन भाई, तो उसको देखा कि जनाब वो बड़ा पहले से टिप टॉप, बड़ी गाड़ी शाड़ी रखी, तो पहले बेचारा ना ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था, तो उसके कोई हालात नहीं थे इतने खास ना। तो उससे पूछा कि यार आप क्या करते हो भाई? उसने कहा कि मैं करता हूँ फिश का काम। मैंने कहा यार फिश बेचते हो? कहते नहीं मैंने फार्म बनाया है। तो मैंने कहा फार्म बनाया तो कैसे? कहते कि 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा है और 60 से 70 हज़ार रुपया आप घर बैठे हो, आपकी लेबर काम कर रही है, आप मंथली बाइज्जत तरीके से कमा सकते हो, यानी कि घर अच्छा चलाने के लिए काफ़ी है। तो उनसे पूछा कि थोड़ी सी डिटेल बताएं, तो वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि जो दोस्त सोच रहे होंगे कि क्या काम करें, उनके लिए एक मेरा मतलब आइडिया है। वो जनाब कह रहे हैं कि एक नर और मादा, एक वो मछली होती है जो अंडे देती है, वो तकरीबन 15 हज़ार की मार्केट से मिलती है वो, और तकरीबन 4 साढ़े 4 हज़ार का एक वो इंजेक्शन है जिससे वो अंडे देते हैं नर और मादा, और 4 साढ़े 4 हज़ार की एक वो खुराक की बोरी होती है जो उसमें फेंकते हैं, यानी कि 1 एकड़ का तालाब होता है आपका, मतलब एक दो बंदे आपने रखे होने, फिर भी आपका यानी कि सारा खर्चा कर करा के ना 30 29 30 हज़ार रुपया होता है, और आपका जनाब बचत जो है वो 70 से 65 हज़ार, थोड़ी सी मेहनत है मतलब ख्याल रखना पड़ता है और करना कुछ नहीं, आपने सफेद पोशी भी रह जाती है। तो जो दोस्त चाहते हैं कि मैं कोई काम करना, कोई बिजनेस करना चाहूँ, तो ये मछली का वाद ऐसा बिजनेस है कि जिसमें घाटा नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में आप जाओ तो कम से कम भी मछली जो है ना वो 450 रुपये किलो है, नहीं तो 800 वाली भी है, 900 भी है, लेकिन कम से कम जो है 450 है। अगर वो जो मछली आपको इंजेक्शन का बता रहा हूँ वो लगाते हैं तो वो 1 लाख अंडे देती है, जिसमें से अगर वो दौरान जब जिस मशीन में वो डाल के घुमाते हैं अगर 10 हज़ार अंडे ज़ाया भी हो जाएं या बह जाएं, वो बिल्कुल बारीक होते हैं चींटी जितने, तो फिर भी 90 हज़ार, 90 हज़ार में से जब वो मछलियाँ बन जाती हैं, अगर आप तालाब में डालते हो कोई कौवा कोई चीज़ कोई खा गई है उससे मतलब कोई ऊपर से, फिर भी 80 हज़ार वो उन जोड़ों में से आपको बचत है, और 80 हज़ार जो वो दाने होते हैं वो अल्लाह के फजल से जब बनते हैं, बड़ा पीस आपका कम से कम 2.5 किलो का होता है, 1 2 किलो 2.5 किलो का, ठीक है? तो वो आपका पूरा महीना चलता है, आप हर यानी कि हर हफ्ते चौथे दिन आप माल निकाल सकते हो, क्योंकि आगे फिर वो अंडे देते हैं, आपने एक दफ़ा वो डाल देना है फिर वो इंशाल्लाह ता ही आती चलते रहना है आपका काम, और अल्लाह के फजल से आपको इस काम से फ़ायदा ही होगा। जो दोस्त चाहते हैं कि मैं कोई बिजनेस करना चाहूँ, तो ये मछली का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मतलब एक आइडिया है, क्योंकि मैं तो दोस्त को देख के मेरा खुद का ये आइडिया बन रहा है कि मैं भी करूं, और आप भी, उम्मीद है इंशाल्लाह अगर किसी को अच्छा लगे तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।